नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी पर। और जो लोग पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 को आगे बढ़ाने को लेकर जो आंदोलनरत है, उन सभी लोगों के लिए एक बुरी खबर है दोस्तों। और बुरी खबर क्या है वो अपन इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो ये देखिए, दो दिन में जारी होंगे व्याख्याता भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र, आज भास्कर सिक्कर की यह खबर है दोस्तों। और इसमें बताया गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 3 से 13 जनवरी 2020 तक आयोजित होनी है। भर्ती परीक्षा शेड्यूल के मुताबिक अब परीक्षा के लिए मैच 6 दिन का समय बाकी है, लेकिन अभी तक प्रवेश पत्र जारी नहीं होने के कारण परीक्षार्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इधर राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की सचिव रेणु जयपाल का कहना है कि भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र 1 से 2 दिन में जारी कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि भर्ती परीक्षा तिथि को बढ़ाने के लिए करीब 1 महीने तक परीक्षार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार ने तय तिथि अनुसार ही परीक्षाएं आयोजित कराने का फैसला लिया, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ और अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में RPSC सचिव ने प्रवेश पत्र जारी करने को लेकर स्थिति साफ कर दी। तो दोस्तों, 2 दिन के बाद में जो प्रवेश पत्र है वो जारी होने की बात है वो सरकार के द्वारा कही जा रही है। धन्यवाद।